अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलवा सलीम। इस वीडियो पे हम देखेंगे कि हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए अपना यहाँ जो डॉक्यूमेंट है उसको पीडीएफ में किस तरह सेव कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हम ये करते हैं कि हम कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है उसको हमने पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है, तो हम ऑनलाइन सर्च पर जाते हैं, ऑनलाइन जाके हम जो है वो कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर या वेब पेज ढूंढते हैं जिसे हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करें और वो हमारे डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो है मैं आपको बताऊंगा कि आपने वर्ड को ही यूज़ करते हुए आप किस तरह अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के अंदर सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, इसके लिए अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली वर्ड को यूज़ करते हुए पीडीएफ में हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगर हमारे पास इंटरनेट है हम इंटरनेट से उस पर जाकर कन्वर्ट करते हैं, लेकिन बाद बात हमारे पास इंटरनेट नहीं होता तो हमने किस तरह अपनी जो असाइनमेंट वगैरह बनानी है उसको हमने इंटरनेट के बगैर वर्ड के अंदर पीडीएफ वर्ड से पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करके उसका प्रिंट करवा लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो आप कोई भी अपनी जो आपने लिखा हुआ है कोई असाइनमेंट या कोई रिपोर्ट आपने जो बनाई है उसको ओपन करें या बनाते हुए आप उसको कन्वर्ट करें। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक असाइनमेंट पड़ी हुई है, रिपोर्ट कुछ भी भरा हुआ है, तो उसको आप ओपन करें। अब ये जब ओपन हो जाएगा तो इसके बाद आपने इसको क्या करना है, ओपन होने के बाद या आपने जब कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आपने सब बनाया, बनाने के बाद आपने उसको सेव करना है। तो अब इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ पीडीएफ के फॉर्म में। तो अब इसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में किस तरह सेव करूँगा, हम सबसे पहले फाइल्स में जाएँगे। राइट साइड पर आपको फाइल्स नज़र आ रहा होगा, तो इसको सेव करने के लिए फाइल्स में जाएँगे। फाइल्स में जाके यहाँ पर सेव एज़ की ऑप्शन आ रही होगी, सेव एज़ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम ड्रॉप पे जाएंगे, इसको कहाँ पे हमने जो है वो सेव करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना है, अब डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव करूँगा और इसका मैं नाम रखूँगा कोई भी, इसको नाम रखेंगे। नाम रखने के बाद नीचे जो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है इस ऑप्शन के ऊपर आप कन्वर्ट क्लिक करेंगे। अब इस ऑप्शन के हमें जो है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स नज़र आने शुरू हो गए हैं। हम इसको HTML में भी सेव कर सकते हैं, हम इसको टिप फाइल में भी सेव कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल में भी सेव कर सकते हैं। अब इसको पीडीएफ में सेव करेंगे। पीडीएफ में सेव करने का फ़ायदा ये होगा, बस बात आप प्रिंटिंग के लिए जाते हैं तो प्रिंटिंग में अगर आप वर्ड की फाइल देंगे तो वर्ड की फाइल से सही तरह प्रिंटिंग नहीं हो सकती आप क्या आप प्रिंटिंग के लिए देते हो तो वो वर्ड कोई आगे पीछे हो जाता है जिसकी वजह से प्रिंटिंग ठीक नहीं होती। तो हमेशा हम पीडीएफ की फाइल में कन्वर्ट करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने प्रोफेशनली किसी को सेंड करना है वो भी पीडीएफ के फॉर्म में होता है, और अगर आपने किसी को कोई प्रिंटिंग के लिए चीज़ देनी है वो भी हमेशा पीडीएफ में देते हैं। तो पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ में क्लिक करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे और अब ये डॉक्यूमेंट हमारा जो है वो सेव हो चुका है जाके। अब इसको देखेंगे, ये देखेंगे ये हमारा डॉक्यूमेंट पीडीएफ के फॉर्म सेव हो चुका है। पीडीएफ आप किसको भी सेंड करेंगे वो इसमें चेंजिंग नहीं कर सकेगा और आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट एक पीडीएफ के फॉर्म में सेव हो चुका है। इसके अलावा अगर पीडीएफ है उसको हमने वर्ड के ऊपर ओपन करना है तो उसको जाके वर्ड पर कन्वर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमने सिंपली जो है वो वर्ड ओपन करें, वर्ड ओपन करने के बाद हम अपनी जो असाइनमेंट है उसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन में जाएंगे, ओपन में जाने के बाद हम ब्राउज करेंगे उसको और जहाँ पे हमारी असाइनमेंट पड़ी हुई है पीडीएफ के फॉर्म में हमने डेस्कटॉप पे सेव की थी, डेस्कटॉप में हम देखेंगे जहाँ पे पीडीएफ में पड़ी हुई है। अब पीडीएफ में मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई है ट्यूटोरियल, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको वर्ड में ओपन करूँ तो सिंपली आपने इसको यहाँ से ओपन कर देना है। अब यहाँ पे वर्ड जो है वो आपसे कुछ चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आप कोई हैवी फाइल अपलोड कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हैं, फिगर्स हैं, टेबल्स वगैरह हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाएगी अगर आप इसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो। तो अगर आपकी पिक्चर अगर आपका डॉक्यूमेंट ऐसा है कि जिसमें पिक्चर्स वगैरह इंक्लूड नहीं है, ग्राफ्स वगैरह इंक्लूड नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको जैसे मैंने तरीका बताया इस तरीके को मुताबिक कन्वर्ट करें, ओके करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब ये कन्वर्ट हो चुका है डॉक्यूमेंट और इसने जो है वो डॉक्यूमेंट हमें वर्ड के अंदर दे दिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वही है हमारा जो मैंने आप पहले पीडीएफ में सेव किया था। अब पीडीएफ मैंने उसको ओपन किया है तो यहाँ पे आप इस पेजेस में देखें कि मेरा बॉर्डर जो है वो वैनिश हो गया यहाँ से। ये थोड़ी बहुत चेंजिंग से हैं, ये देख टेबल के अंदर कैसे चेंज आ गया, टेबल की जो बाउंड्री है वो गायब हो गया है। इसमें देखें ये दो डॉक्यूमेंट के ऊपर वो बॉर्डर आ गया। होता है जब आप जो है वो पीडीएफ से आप वर्ड के अंदर कॉपी करते हैं, आपके वर्ड जो है वो आपकी राइटिंग जो है टेक्स्ट जो है वो सेम रहेगा, लेकिन आपकी जो डेकोरेशन के लिए आपने बॉर्डर वगैरह लगाए होंगे या आपने जो है वो टेबल्स वगैरह बनाए होंगे, पिक्चर्स वगैरह बनाई होंगी, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों तक भी पहुँचाएँ और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।